our channel. So today we're gonna do my drawing and painting collection. So this is one of the most requested videos, so we're gonna do it today. Hi everybody, welcome back to our channel. So this is Starlit and आज छुट्टी का दिन है तो स्टार से बड़े ज़बरदस्ती मैंने बोला कि चलो वी हैव टू डू दिस वीडियो बिकॉज आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि स्टार के पेंटिंग कलेक्शन और ड्राॅइंग कलेक्शन जो है उसका फाइल शो कीजिए. तो ये फाइल हमने सेग्रीगेट करके रख लिया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस वन क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि करो. तो इतना ज़्यादा कोई है नहीं स्टार, अभी अभी थोड़ा ड्राॅइंग करने लगी है तो इतनी कोई माहिर तो नहीं है, पर धीरे धीरे वो सीख रही है. और आप लोगों ने बहुत लोगों ने कुछ कुछ सजेशन भी दिए तो उसको भी इंप्लीमेंट करके हम जरूर उसको करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइल. तो ये जो फाइल है ये हमने लिया था, एक नॉर्मल फाइल है. मैंने स्टार के ड्राइंग्स को कलेक्ट स्टोर करने के लिए फाइल लेके आई हूँ, वरना वो इधर उधर यहाँ वहाँ पड़े रहते थे. तो मैंने बोला दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर इट, सो इसीलिए ये फाइल लेके आए. तो लेट्स रिमूव एवरीथिंग फर्स्ट, सब कुछ निकाल लो और एक एक करके हम उनको दिखाएंगे. सो ये जो फर्स्ट वाला जो ड्राइंग है ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ये जब समर रूटीन था तब स्टार ने ये ड्राइंग किया था. तो दैट टाइम स्टार ने ये वाला ड्राइंग किया था और हमने इसको सबसे पहले ये ऊपर रख दिया है. तो किसी ने सजेस्ट किया था मुझे कि एक्रेलिक पेंट की जगह वाटर कलर यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करेगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं यही यूज़ करूँ. यस yes, तो ये स्टार के पास एक्रेलिक पेंट था तो स्टार ने उसके साथ किया था. अब नेक्स्ट टाइम उसको वाटर कलर्स है आपके पास? नहीं, मामा को लेना पड़ेगा. ओके okay, तो नेक्स्ट टाइम अभी जाएंगे ना तो वी विल बाय वाटर कलर्स आल्सो. सो ये एक पेंटिंग है एंड ये एक ड्राइंग है जो स्टार ने बनाया है यूनिकॉर्न गर्ल का. ओ दिस इज सच अ लवली ड्राइंग ना स्टार. इसके पास यूनिकॉर्न हॉर्न्स है, एक्चुअली हेयर बैंड है. सो दिस लाइक एन हेयर बैंड. तो ये यूनिकॉर्न गर्ल बना है फ्रॉम स्टारलेट. ये देखिए स्टार ने ड्रॉ सो क्यूट सेव किया. हाँ, ड्रॉ सो क्यूट करके एक चैनल है, उसमें से मैंने ये ड्रॉ किया. ड्रॉ सो क्यूट करके, हाँ, तो ये यूट्यूब में कोई चैनल होगा, उसमें देख के स्टार ने ये ड्रॉइंग किया था यूनिकॉर्न गर्ल का. मुझे बहुत पसंद आया ये वाला. सो ये एक ड्रॉइंग है. दिस इज अ लवली जैस्मिन. तो दिस इज़ अ जैस्मिन फ्लावर जो स्टार ने शायद स्कूल में बनाया होगा बैठे बैठे फ्री टाइम में. तो ये वाला स्टार का एक अच्छा सा क्यूट सा ड्राइंग है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टार ने जितने भी ड्राइंग किए ना वो सब हमने सेव किए. कुछ मिले कुछ नहीं मिले, बहुत पुराने पुराने थे तो वो तो फेंक दिए, लेकिन वो सेव नहीं हो पाया. ये भी मैंने स्कूल में किया, ये स्टार ने स्कूल में किया था एक सीनरी. और स्टार के बहुत सारे पेंटिंग्स में आंखें होती है सबके पास, क्यूट आईज. तो यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन्स के पास भी क्यूट आईज है, सन के पास भी आईज है. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीनरी बनाई है स्टार ने जिसमें फिश भी जा रहे पॉन्ड में. तो काफी अच्छा है ये वाला एक ड्रॉइंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा. और स्कूल में रहती है तब स्टार ऐसे ऐसे वाले छोटे पेपर्स में करती है, वरना नॉर्मली घर में A4 साइज के पेपर्स में ही करती है. तो ये बहुत ही पुराना बनाया हुआ है स्टार ने, जब इनिशियली स्टार कलर्स के साथ पेंट करती थी तब ये बनाया है. ये पता नहीं कहाँ से पानी बह के आ रहा है, वाटरफॉल है और माउंटेन्स के बीच में से बह के आ रहा है. और ये बस यूज ऑफ कलर किया है स्टार ने. यहाँ पे पेड़ है बहुत सारा, यहाँ पे कुछ वाटर है, क्या है ये, ब्लू एयर है, ये एयर है, ग्रास है. सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल पेंटिंग जब स्टार बस करने ही लगी थी दैट टाइम. ये भी सेम है और ये भी स्टार ने आई थिंक स्कूल में किया था ये. नहीं, तो नहीं, ये स्कूल में किया था कि कहाँ किया था? मैंने घर में किया इसलिए तो मैंने पेंट यूज किया, वरना वो स्कूल में पेंट नहीं लेकर जाती. हाँ, स्कूल में पेंट नहीं यूज कर सकते. स्कूल में बस इन लोग को क्या बोलते हैं, क्रेयॉन्स या कलर पेंसिल्स ही यूज करने रहते हैं, तो ये वाला रहता है. तो ये देखिए ये वाला स्टार ने और एक किया है. और ये उल्टा क्यों है, ये लैंड, ये पेड़ का ब्रांच है आधा. तो ये पेड़ का आधा ब्रांच है और उधर से पेड़ नीचे आ रहा है और यहाँ पे है सूरज निकल रहा. इसको ये कॉटन पेन से किया था, फ्लावर्स आ रहे हैं ये जो इसके ऊपर जो एप्पल्स वगैरह लगे हुए हैं पेड़ पे, कॉटन बद से किया है. ओके गुड. तो ये मोटा कॉटन बद से, तो ये एक है. और ये एक राउंड पेपर में आपने काट के क्यों बनाया इसको? कि ऐसा है, मैंने ऐसे माउंटेन्स बनाए. माउंटेन्स है, स्काई है, सन है. तो ऐसे राउंड वाला पेपर में स्टार ने और एक बनाया था, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ. या आप देख सकेंगे ये राउंड वाला स्टार ने ये बनाया था और एक ऐसे वाला. इसको क्या बोलते हैं आप, जापानीज ड्राइंग,
क्यों जापानीज ड्राइंग क्यों बोलते हो? जापान में ऐसे वाले होते हैं ना, मोस्टली भारत में थोड़ी ना होते ऐसे वाले। अच्छा, स्टार ने इसको जापानीज ड्राइंग बोला था, तो ये और एक स्टार ने राउंड वाला किया था और उसको हमने ऐसे इधर सेव कर इधर स्टिक करके रखा है वॉल पे, तो ये मुझे बहुत पसंद लगा तो इसीलिए मैंने इसको वॉल पे लगा दिया। तो ये मेरा फर्स्ट ड्राइंग है, गेस व्हाट इट इज। आई डोंट नो, यूनिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ से। यूनिकॉर्न दिख रहा है। ओह वाह, दिस इज लिटरली माय फर्स्ट ड्राइंग। ये आपका फर्स्ट ड्राइंग था? ओके, सो ये स्टार ने जब अच्छे से करने लगी थी तब उसका फर्स्ट ड्राइंग था, जब वो आप ये भी आपने वो चैनल से देख के किया था? हाँ। ये आपने खुद किया है? अच्छा, मतलब एक वीडियो से देख के किया, बहुत पुराना है। अच्छा, तो ये यूनिकॉर्न है और कलर्स देखिए कितने सारे कलर्स डाल के स्टार ने। एक्चुअली मैंने ट्यूशन के पहले मैं ट्यूशन जाती थी तो मैंने उसके पहले किया, पर ज़ेबरा फिर से स्क्रिबल कर दिया उसमें। अच्छा, आपने उसके पहले किया था? हाँ, पर उसमें ज़ेबरा स्क्रिबल कर दिया तो मुझे पूरा फिर से ड्रॉ करना पड़ा। अच्छा, और इसके पास एक नेकलेस है जिसमें मेरा नाम है। अच्छा, तो इस नेकलेस है जिसमें स्टारलेट का नाम है और ये बहुत ब्यूटीफुल हॉर्स है ये, और रेनबो है और ऊपर रेनबो भी है। तो लिटरली ये स्टार का फर्स्ट ड्राइंग है, देख सकते हैं इधर से सन निकल रहा है, बर्ड्स उड़ रहे हैं और काफ़ी सारा ब्यूटीफुल सा है, वेरी नाइस। तो ये एक पेंट, ये एक ड्राइंग है स्टार का जिसको स्टार ने कलर भी किया। पेंटिंग है और ये एक पेंटिंग है। ये क्या लिखा है स्टार यहाँ पे? स्टॉप लुकिंग अप। नेवर स्टॉप लुकिंग अप। अच्छा, और ये क्या है? ये क्लॉक है। क्लॉक है, ये क्लॉक है जिसमें रात के 3 बज रहे हैं एंड नेवर स्टॉप लुकिंग अप। तो ये बस एक रैंडम सा पेंटिंग स्टार ने किया है, दैट्स इट। और ये है यूनिकॉर्न केक। तो स्टार को यूनिकॉर्न्स बड़े पसंद है तो इसीलिए उसने आपने अभी तक, लेकिन आपको डायनोसर भी पसंद है, आपने अभी तक डायनोसर नहीं बनाया है? मैंने एक बनाया पर उस पर ज़ेबरा ने स्क्रिबल कर दिया। तो नाउ वी हैव टू मेक अ डायनोसर। ओके, सो दिस इज अ यूनिकॉर्न केक और ये वाला भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसके पास भी आईज है। यूनिकॉर्न केक फॉर यूनिकॉर्न फ्रॉम स्टारलेट, और इसके पास भी क्यूट क्यूट से आईज है और ये सारे फ्रॉस्टिंग नीचे बह रहे। ओके, नीचे है पूरे फ्रॉस्टिंग के साइड, वेरी नाइस। और रेनबो अंदर, वेरी नाइस। ये भी मैंने बनाया है, क्यूट से। ये वाला भी स्टार ने बनाया है। व्हाट इज दिस? हॉट कोको, कोको या हॉट चोको, कोको। तो ये कप है जिसमें मार्शमेलो स्विमिंग पूल की तरह यूज कर रहे हैं, मार्शमेलन स्विम कर रहे कॉफी में। एंड व्हाट इज दिस? ये भी स्टार ने बनाया है, वेरी क्यूट, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये स्पून से स्लाइड कर रहा है, स्लाइड की तरह। ये स्पून से स्लाइड कर रहा है मार्शमेलन, सो वेरी क्रिएटिव एंड वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो नेक्स्ट है ये एनवायरनमेंट डे में बनाया था। ये एनवायरनमेंट डे में स्टार ने बनाया था ये वाला पेंटिंग, इसका वीडियो भी हमने बहुत पहले डाला था। तो एनवायरनमेंट डे में टीचर ने बोला था कि आप कुछ ना कुछ बनाओ, ड्रॉ करो, तो ऐसे स्टार ने पेंटिंग बनाया था जिससे ड्राइंग बनाया था जिसमें आपको ट्रीज बनाना है, प्लांट ट्री सेव अ प्लैनेट सेव ट्रीज करके बनाया था, जिसमें आप एसीज वगैरह कम यूज करो, ट्रीज को कम काटो और फॉरेस्ट को मत जलाओ। तो ये सब करके स्टार ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्राइंग बनाया था A4 साइज में एनवायरनमेंट डे के लिए। इस बार के एनवायरनमेंट डे के लिए भी आपने बनाया था, ये लास्ट ईयर का था, दिस टाइम भी बनाया था वो तो आपको पता ही है। एंड ये एक सनफ्लावर बनाया है स्टार ने, ये स्कूल में बनाया था जिसमें टीचर ने 38 मार्क्स दिए स्टार को 50 में से, राइट? मुझे तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल सा लगा, इट्स ओके, ठीक है। तो सनफ्लावर नीचे और पेड़ ऊपर है। पेड़ ये तो आगे, ये पीछे है, पेड़ पीछे। अच्छा, ऐसा है कॉन्सेप्ट, है कॉन्सेप्टलाइजेशन है स्टार का, पेड़ पीछे है फ्लावर आगे है। ओके, वेरी नाइस। ये आई ट्राई टू शेड विद कलर्स। ये टमेटोज बनाए आपने? हाँ। तो ये शेडेड वगैरह थोड़ा ट्राइंग टू बी वेरी क्रिएटिव ना स्टार। ट्राइंग टू शेड। सो दिस इज टमेटोज एंड साइड में बहुत शेडेड पेंट्स है, क्रेयॉन्स आई थिंक दिस इज, राइट? कलर पेंसिल्स। ओके, और ये क्या बनाया आपने? मैंने उसके लिए बनाता, पेड़ लगाओ और संसार को हरा भरा बनाओ। हरा भरा नहीं लिखा आपने, हरा बनाओ, हरा बनाओ। तो ये भी एक बनाया है जिसमें आई थिंक ये किसी हिंदी के लिए बनाया था, हिंदी की एक्टिविटी। हाँ, हिंदी की एक्टिविटी के लिए, हिंदी की एक्टिविटी के लिए। हाँ, ये भी हिंदी की एक्टिविटी के लिए स्टार ने ये ड्राइंग किया था आई थिंक। हाँ, ये भी हिंदी के लिए बनाया था, दो लोगों को, वेरी नाइस। ये मैंने जोया के घर में किया था।
ये वाला, इसका ये थोड़ा सा फड़ी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये पेंटिंग जो स्टार ने बनाया है, क्रिसमस ट्री जैसा होता है ना। आई थिंक ये एकदम कोल्ड रीजन के वहाँ का पेंटिंग है जहाँ पे वैसे ट्रीज होते हैं और स्नो कर रहा है और सन या मून। स्नो नहीं, स्टार्स है। ये स्टार्स, अच्छा स्काई में स्टार्स है, आई थॉट इट्स स्नोइंग। और ये कैसा है कि मून है? मून, इट्स मून। पीछे थोड़ी ना ब्लैक होगा, ऐसा ही ब्लू होगा। और ये भी स्टार ने बनाया है। ओ वाओ, टू बर्ड्स, लव बर्ड्स है ये, लव बर्ड्स है। और यहाँ पे ऐसे स्लांट करते हुए ट्री है एंड पीछे नहीं, मतलब एक ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर है, ब्रांच जाता है ना। आप बताओ फिर क्या क्या है। ऐसे एक ब्रांच है ना, हाँ, और ये एकदम मून के पास है। मून के पास है एकदम, मतलब बहुत नजदीक दिख रहा है। और स्काई है, सुपर मून आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्काई है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट बताओ। इंडियन फ्लैग, ये आपने इंडियन फ्लैग बनाया जो हीट दे रहा है। अच्छा अच्छा, ये कब बनाया था? इंडिपेंडेंस डे के लिए बनाया था? I just made it for fun. Just made it for fun, okay, next. Next, ये जब मैंने glitter glue use करना शुरू किया था। हाँ, ये glitter glue के टाइम स्टार ने कुछ कुछ बस ऐसे ही थोड़ा करने के लिए बनाया था। तो ये ऐसे तीन घर है और इसमें जो माउंटेन्स के ऊपर है शायद ये घर और स्काई है। नेक्स्ट, ये मैंने भरे नेशनल डे के लिए बनाया था, पर गलती से मैंने ग्लिटर ग्लू यूज किया था तो नीचे चला गया, पे बन गया। तो ये बैरन नेशनल डे के लिए बैरन का फ्लैग बनाया है और यहाँ पे ग्लिटर ग्लूज यूज किए हैं। पकड़ो इसको ठीक से। और बैरन का फ्लैग ये है, ऐसे रेड और वाइट में है फ्लैग। तो ये ग्रीन में खड़ा है, हाँ, ग्रीनलैंड। तो ये स्टार ने जैसे इंडियन फ्लैग बनाया वैसे ही बैरन फ्लैग भी बनाया है। और ये भी मैंने ड्रॉ से बनाया। क्या ये यूनिकॉर्न इमोजी? वाओ, यूनिकॉर्न अगेन, अ यूनिकॉर्न। बिफोर स्टारलेट वाज अ फैन ऑफ यूनिकॉर्न, सो स्टार ने यूनिकॉर्न बनाया, हॉर्स। यूनिकॉर्न इमोजी। अच्छा, फ्रॉम स्टार, सब जगह उसका इनिशियल भी दिया हुआ है फ्रॉम स्टारलेट, ताकि कोई क्लेम ना करे। एक बेस बना फ्लावर। और ये क्या लिखा है? फ्लावर ड्यूरिंग रेन, ऐसे मतलब एक बेस बालकनी में खड़ा और उधर रेन हो रहा है, बारिश हो रही है। अच्छा, बालकनी में और ये बारिश हो रही है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ना। अरे शैडो नीचे पानी का गिर रहा है क्या? नहीं, ये फ्लावर बेस का शैडो जिसमें ज़ेबी ने स्क्रिबल किया येलो। अच्छा, ओके, नाइस। नेक्स्ट, ये एक सीरियल है, जब मेरी फ्रेंड आई थी तब जब मैंने पेंटिंग वगैरह करती थी थोड़ी सी, हाँ, एकदम एक्सपर्ट नहीं हुई थी। थोड़ा सा किया था आपने? कितना बड़ा, कितना मोटा ट्री है ये? हाँ, रखो नेक्स्ट। हाँ, यही है शायद वो जो मैंने। सो ये दिस टाइम स्टार ने ये बनाया था एनवायरनमेंट डे में, ये वाला पेंटिंग, सेव वर्ल्ड, सेव एवरी ड्रॉप, तो ये वाला बनाया था। नेक्स्ट, ये आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम शॉप बनाया आपने, और इसमें क्या है? आइसक्रीम्स बेच रहा है। Where is the shopkeeper? Shopkeeper is right behind. अच्छा, एंड ऊपर भी एक आइसक्रीम लगा हुआ है। सब में सन क्लाउड सब होते हैं ना? सन क्लाउड होना चाहिए। Except in this. और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वो स्क्रैच नोट। स्क्रैच नोट, हाँ, स्क्रैच नोट लेके आए थे ना तब स्टार ने बनाया था, पीकॉक एंड ट्री। इसका भी वीडियो हमने डाला था जब स्टार ने बनाया था स्क्रैच नोट से। बहुत ब्यूटीफुल पीकॉक बनाया और पीकॉक ब्रांच पे खड़ी है, एक ट्री है यहाँ पे बैठी है इसलिए। ओके, और इसके फेदर्स पूरे नीचे लटके हुए। और ये जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था ऐसे टेप लगाना पीछे और ताकि उधर ना लगे। ओके, और ये सीजर्स बनाया आपने बस ऐसे ही कुछ भी? सीजर्स बना दिए और साइड में ये टेप लगा के स्टार्ट नहीं किया है और शेडिंग किए हुए। नाइस, एकदम मेरा बेबी सीजर्स है पर मैंने उसको ग्रीन किया, वरना ब्लू करती तो दिखता नहीं स्काई में। अच्छा, इट्स फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, दिस इज आल्सो व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड पेंटिंग। हां, दिस लुक्स सो बैड स्टार, व्हाट हैव यू डन दिस? इट्स अ वाटर फ्लो, सेम वाटर फ्लोइंग।
ना सीनरी एंड बिहाइंड द माउंटेन्स एंड व्हाट इज दिस वी हैव टू सन ना टू सन वेरी नाइस ओके नेक्स्ट आई ड्रॉ सम एनिमल्स दिस इज पांडा डॉग स्क्विरल एंड जिराफ दिस इज लुकिंग वेरी नाइस Very good. Actually, I drew it with stencils. Stencils se kiya tha? Very nice. ये मेरा एक पेंटिंग था. ये पेंटिंग देखो आप लोग इसमें भूत बैठे Ghost are sitting in the pot. यहाँ पे एक ट्री है यहाँ पे पता नहीं 50 कलर्स डाले हैं सन भी आ रहा है पीछे से सन या मून और ये बोट पे बैठ के भूत लोग जा रहे हैं ना स्टार ये स्टार का है कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे बनाती थी स्टार ये मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला फ्रेम किया था लेकिन ये फाइनली किसी चीज़ की वजह से हमको निकालना पड़ा तो ये अब स्टार के पेंटिंग कलेक्शन के अंदर गया है ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर है होगा तो हम उसको डालेंगे ये क्या है लेडी बर्ड लेडी बग है तो वो फ्लावर के ऊपर जा रही है और हमने थोड़ा सा मेरी फ्रेंड ने भी ड्रॉ किया था मैंने पेंट किया इसको अच्छा मेरी फ्रेंड ने ड्रॉ किया उसने भी ऐसा ड्रॉ किया है अच्छा अच्छा और ये आपने किया है ना मैंने पेंटिंग किया अच्छा आपने पेंटिंग किया उसने ऐसे ड्राइंग भी किया है ड्राइंग किया उसने अच्छा अच्छा पर आपने काफ़ी अच्छा लग रहा है सिल्वर ग्लिटर डाल के आपने अच्छा किया वेरी नाइस एंड दिस इज द लास्ट व्हिच माय फ्रेंड गिव मी निधि निधि ने बना के दी आपको फिशिंग कर रहा है कोई फिशिंग कर रहा है फिश पकड़ लिया है नीचे और फिशेज है और ये निधि ने स्टार को बना के बस ऐसे ही बना के दिया जस्ट फॉर फन अच्छा जस्ट तो ये था थोड़ा सा पेंटिंग कलेक्शन मैं आपको वॉल में भी दिखा देती हूँ एक दो है तो ये वाला जो स्टार ने एक बार बनाया था पेंटिंग ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने लगा दिया है इसको वॉल पे इसका मुझे बाहर से अच्छा लगा पर ट्रीज इट लुक्स लाइक बारबेक्यू बारबेक्यू और ट्रीज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये उसमें शेडेड है और यहाँ पे है एक क्या ये स्वान है ये और मैंने ड्रॉ किया था इसको ड्रॉ करके स्टार ने कलर किया था इसको कटआउट करके हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये सब आपने देखा ही होगा ये वाला तो ये स्टार के बुक में स्टार ने एक सनफ्लावर भी बनाया है जो इस साल इनके एवरी ईयर जो ड्राइंग बुक्स होते हैं उसमें इनको कुछ ना कुछ करने के लिए देते हैं तो इस साल स्टार ने ये बनाया धीरे धीरे स्टार इज गेटिंग बेटर इन ड्राइंग तो ये सनफ्लावर बनाया था ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला जो स्टार ने किया है इसमें डक है सन देखो कितना प्यारा सा सन लग रहा है कितना क्यूट सा आइज है इसके तो ये स्टार ने बनाया है और डक पानी में फ्लोट कर रहा है सो दिस इज़ वन ऑफ द पेंटिंग जो स्टार ने बनाया तो 3 महीनों में इन्होंने हाँ अच्छा इट्स स्विमिंग ओके तो ये आई नो आई एम सॉरी ओके सो ये 3 मंथ्स में 2 पेंटिंग्स किए ना आपने हाँ तो ये जब स्टार 3rd स्टैंडर्ड में थी तब स्टार का ये 3rd स्टैंडर्ड का बुक है जिसमें स्टार ने कुछ कुछ ड्राइंग्स किए तो ये देखिए स्टार ने स्वान बनाया है वैसे ही उसके बाद और अच्छा बना तब जाके हमने उसको स्टिक किया उसके बाद ये देखिए एक वाज बनाया है स्टार ने ये डॉगी क्राफ्ट किया है क्राफ्ट किया डॉगी को वेरी नाइस ये डॉगी तो अच्छा लग रहा है और फिर उसके बाद लेट्स शो दिस साइड व्हाट इज दिस कपकेक दिस इज अ कपकेक दिस इज अ पांडा और ये देखिए ट्री के ऊपर बर्ड्स इन द नेस्ट वाओ वेरी नाइस ये यहाँ पे और एक डॉग है एंड अ पीकॉक एंड दिस इज अ पीकॉक तो ये स्टार ने बनाया था ये तो स्वान आपने देख लिया कपकेक भी आपने देख लिया ये है सांता क्लॉज और ये कैसे है वैसे बनाने का क्या ये इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं ये पेंसिल होल्डर अच्छा पेन पेंसिल होल्डर बनाया है यहाँ पे सांता क्लॉज इज लुकिंग वेरी नाइस ये हमने क्रिसमस में बनाया क्रिसमस के पहले बनाया सीधे और बैग ऑफ प्रेजेंट्स हाँ वेरी नाइस कीप इट लाइक दैट ओनली क्रिसमस ट्री में आके वो प्रेजेंट ये बहुत पीकॉक विद लॉन्ग लेग्स वेरी बैड पीकॉक पांडा एंड सम फ्लावर वाज बलून व्हिच कुड एक्चुअली ब्लो कैन ब्लो फ्रॉम दिस होल अच्छा बलून आई डोंट नो व्हाट इज रैबिट बर्ड्स इन द नेस्ट अगेन बर्ड्स इन द नेस्ट
डॉल्फिन विच हैज ईटन सो मच दैट इट कैन नॉट स्विम नाउ. एंड फादर्स डे में कार्ड, फादर्स डे में कार्ड बनाया है, गाड़ी है. तो ये क्राफ्ट और ड्राइंग दोनों मिक्स बुक है ये. और ये पाम ट्री है क्या स्टार्ट? यस विद डेट्स. पाम ट्री, बेरेंस ट्रेडिशन पाम ट्री. ये क्या? डेट, डेट ट्रीज, या वही है. ये क्या? हैप्पी मदर्स डे. मदर्स डे के लिए भी कार्ड बनाया. एंड क्लोथ्स आर ड्राइंग ओवर हियर. सम मोर सीनरी. Smoke which coming. Is going to pollute and the sun is smiling that he is polluting. Okay. Bahut hi ganda sunflower. Now you have to compare this sunflower and jo ab jaake banaya star ne sunflower, right? Dikhao. Tang tang. Before और after है ये. Before ये थर्ड स्टैंडर्ड का है स्टार का. ये नहीं, ये थर्ड का है ना? हाँ, ये थर्ड. और ये कौन से स्टैंडर्ड का? फिफ्थ स्टैंडर्ड का. तो फोर्थ का कहाँ गया फिर? फोर्थ का तो फोर्थ में हमने सनफ्लावर नहीं किया था. अच्छा, नहीं किया. तो ये थर्ड स्टैंडर्ड से प्रोग्रेसिव है. हाँ, प्रोग्रेसिव. प्लीज देखिए, इट्स लुकिंग वेरी नाइस. तो ये थे स्टार के कुछ ड्राइंग कलेक्शंस एंड आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. अच्छे लगते तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और नो नो, अब बस बहुत हो गया, बहुत लास्ट. okay, हाँ वो बात में फिर कभी. तो अब क्या हो गया ना, इतना सारा दिखा दिया आपको. क्राफ्ट भी आपको दिखाएंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद. एंड आई होप आपको ये ड्राइंग कलेक्शन अच्छा लगा होगा. अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Notification bell so you won't be notified every time we post a new vlog like this one, the most requested vlog. Okay, bye bye. Bye bye.